फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 10th of September और डे है आज क्या, फ्राइडे, और आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ सब लोग अपने अपने घर पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेफ्टी मेजरमेंट्स लेके बाहर जाइए, पूजा देखिए, अच्छा लगेगा। मैं भी करती हूँ, हम लोग भी करते हैं गणेश चतुर्थी हर साल, लेकिन इस साल तो कर नहीं पाएंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था, क्योंकि हम लोगों का वो एक फादर इन लॉ का डेथ हो गया है, तो एक कालशूच बोल के एक साल हम लोग ये सब नहीं करते। मुझे बहुत याद खराब भी लग रहा है। मैं यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर दूंगी, हाँ, लास्ट ईयर का जो मैं हम लोगों ने लास्ट टू ईयर्स का मैं फोटो आप लोगों को इस वीडियो में, वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी। जो भी हो फ्रेंड्स, आज बहुत गर्मी है। जिसने जिसने व्रत रखा भी है, प्लीज आप लोग पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने बॉडी को। फ्रेंड्स, मैंने तो मॉर्निंग बोल दिया है, लेकिन एक्चुअली अभी 12 बज चुका है, अभी मैंने देखा, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी में मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा हॉस्पिटल। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, मम्मी का ऐसे रेगुलर चेकअप, बहुत दिन हो गया है मम्मी ने चेकअप करवाया नहीं, तो अभी मैंने बोला कि मम्मी को कि जब तक आप आके रहेंगे तो अलग बात, लेकिन पहले पहले ही करवा लेना ठीक है। और मम्मी का कोलकाता जाने का भी प्लानिंग है, इसलिए तो अभी हम तीनों जा रहे हैं, मैं, मम्मी और मिठी, हम तीनों जा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के, मम्मी का चेकअप के लिए। बहुत गर्मी, और सबसे खराब लग रहा है कि वो तो ऑफिस चले गए, इसलिए हम तीनों को ही जाना पड़ेगा अभी। लेकिन कैसे जाओ, क्या करूँ, एक जान पहचान है कोई भैया, लेने के लिए आएंगे हम लोगों को। अगर पॉसिबल होगा तो मैं वापस जाके शूट करूँगी, और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में क्या शूट करना। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। बेचारी को भी साथ में लेके आई, कहाँ रख के आती देखिए। तो अभी प्रॉब्लम है कि इतना टाइम लग रहा है, हम लोग का नंबर 16 में है और अभी तक सिर्फ 10 नंबर गया। इतना टाइम तक हम लोगों ने लंच भी नहीं किया, खराब लग रहा है इसके लिए। भूख लगा है? तुम तो बोलो कि भूख नहीं लगा है, घर में किसके पास छोड़ के आती, इसलिए। बज गया है और हम लोग 12:30 बजे आए थे। ये बोर हो रही है, एक बार अपना हेयर खोल रही है, एक बार मोबाइल देख रही है, क्या करेगी। और Hey friends, good evening. Hello, कैसे हो आप लोग सारे? हम लोग अभी रेडी हो गए, हम लोग थोड़ा जा रहे हैं गणेश पूजा देखने, है ना? एक्चुअली हम लोग तो आते आते बहुत लेट हो चुका था, हम लोग को आते आते प्राय ऑलमोस्ट 6:15 हो गया था। फिर आके लंच तो आज हुआ नहीं, और क्या, फिर हम लोगों ने वो देखा ही आप लोगों ने क्या खाया क्या नहीं, तो अभी ऐसे ही बैठे थे। फिर वो भी ऑफिस से आए, फिर हम लोगों को बोला कि चलो, कल हम लोग ना थोड़ा बाहर गए थे
बिस्किट ये सब लाने के लिए, तब बहुत सारे पंडाल्स देखे थे, तब ये बोल रही थी कि पूजा देखना है, तो इसलिए अभी उन्होंने बोला कि चलो। मम्मी नहीं जाना चाह रही थी तो मम्मी को भी फोर्सफुली ले लिया साथ में। देखिए ना एकदम मेरा आईज देख के ही पता चल रहा है, फेस इतना फेड हो गया है सारा दिन भर टायर्ड। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारे यहाँ की पूजा। चलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए पूजा देख के, अच्छा लगा। कितना देखा हम लोगों ने पूजा? हाँ, हम लोगों ने ऑन द वे जाते वक्त तो देर था दो तीन ऐसा, लेकिन उत्तर के दो देखा हम लोगों ने, क्योंकि आज हम लोग टायर्ड भी है ना, सारा दिन भर हॉस्पिटल में। फिर आके अगर ये नहीं आती तो थोड़ी ना मैं और ये निकलते घर से, इसके लिए जाना हुआ। क्योंकि हम मैं बता रही थी ना आप लोग को कि कल हम लोग थोड़ा बाजार गए थे वो बिस्किट लाने। देखिए ना मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, मेरा ना पूरा स्मच हो जाता है और ये पूरा काला काला हो जाता है। तो तब उसने देखा पेंडल्स, तो पंडाल देख के इसको लगा, कल से ही बोल रही है मुझे कल निकलना है, तो इसलिए गए, क्या करे। और वरना मेरा तो एकदम, और मम्मी भी कहाँ जाने वाली नहीं थी, मम्मी को डांट के चलो चलो क्या तुम इतना आलसी करते हो। नेचुरली आज सारा दिन भर मम्मी का ही तो गया ना भागा दौड़ी ज़्यादा, और अकेले मम्मी को रख के जाने से ना हम लोग को ज़्यादा देर थे भी नहीं, विद इन 45 मिनट्स ही आ गए, फिर भी शांति नहीं लगता है मम्मी को अकेले रख के जाने से, इसलिए मम्मी को भी लेके गई। लेकिन अच्छा लगा, पूजा का शुरुआत गणपति बप्पा से और अच्छा गया। और हाँ, आप लोगों को मैं बता रही थी मम्मी के डॉक्टर के चेकअप के बारे में, दो तीन टेस्ट दिया है करने के लिए, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब। तो ये सब का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, वैसे कुछ है नहीं, जस्ट ये ईयरली चेकअप वो, जो भी हो। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ अभी रात के 9 बजे है, आप लोगों का भी दिन बहुत अच्छा गुजरा है। और इसी के साथ मैं आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और कल या परसों फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और जो जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अदर्स जिसने मेरे चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है और देखते हो मुझे लाइक करते हो, उन लोगों को ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलूंगी और एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, है ना। हाँ।
बाय बाय, गुड नाइट। पता नहीं ये नाइट में जाएगा कि नहीं या सुबह जाएगा, जो भी हो, बाय, लव यू ऑल।